देखा देखा कहाँ नारा शेर आया शेर आया मजे साहब की जय बाबा अब्दुल मजे साहब की जय। सर जिस तरह आपके पीछे आपके शाइखीन आपके चाहने वाले जाते हैं तो कहते हैं अब्दुल मजीद देखो शेर आया मतलब जब हम अली जनाब आकाश तनवीर सर साहब की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके पीछे जो है उनके शाइखीन देखो शेर आया आखिर में असली शेर कौन है सर। देखिए मैं बहुत बार मेरा कारकुनों को और मेरा सपोर्टर्स को मैंने बताया हूं ऐसा स्लोगन मत बुलाइए। तो आपको शेर पसंद नहीं? ये शेर पसंद नहीं है मुझे। मेरे बिल्कुल मुझे ऐसा जो हमारे कारकुन हो या हमारा सपोर्टर्स जो भी हो करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि सियासत में हम लोग खादिम बनकर काम करना है। सियासत का मतलब ये है पावर ले और आप खिदमत करने का काम है। इसमें शेर चीता कोई नहीं है। सियासत में खादिम है और कायद है और खादिम है ऐसा ही काम करना है। आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं ये सब शेर आया छोड़ दो। सवाल है जब हम लोग बाहर ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं ना सर तो उस वक्त एक बात जो है हमारे कानों तक पहुंचती है सर अब्दुल मजीद साहब का ताल्लुक मड़केरी कूर्ग से है उनकी पेट जो भी है वहां से है क्या एसडीपीआई में कोई ऐसी सलाहियत का बंदा नहीं जो मैसूर शहर का हो जो एमएलए को उम्मीदवार है बार बार अब्दुल मजीद ही क्यों अगर उनको खड़ना है तो जाके कुर्ली पेट पे खड़े मैसूर में खड़कर जो है वो अपना कीमती वक्त और अपना जो है कीमती जो भी मतलब ये है वेस्ट ना करें। देखिए डेमोक्रेसी का अंदर कोई भी लोग जाके किधर भी कर सकते हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों आया? सिद्धरामैया मैसूर छोड़ के बादामी क्यों गया? अब कोलार घूम रहे ये है मगर रिजवान अरशद साहब बेंगलुरु गए तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। एक बात दूसरी बात अब्दुल मजीद का बात अब्दुल मजीद अब कभी भी मुझे टिकट दियो मुझे ह्यांग खड़ा बोलकर कभी भी मैंने डिमांड नहीं किया है। हमारा पार्टी में कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है। अब हमारे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ह्यांग जो हमारे पार्टी के जो भी कारकुन हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी असेंबली कमेटी है तमाम वार्ड कमेटी तमाम मिलके कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा सिलेक्शन सिस्टम है। अब्दुल मजीद मैं कैंडिडेट बन तुम बोलकर बोलते नहीं दूसरे पार्टी का जैसा मैं उधर कैंडिडेट बन तुम मेरा उधर का एस्पिरेंट है इधर का एस्पिरेंट है बोलकर जब पार्टी का लीडर्स तमाम लोगों ने बैठ के डिसाइड करते हैं अब्दुल मजीद को इधर कैंडिडेट बनाना बोलकर अगर तय करता है तो हमारा पार्टी का एक कैडर बेस का है जो तय किया गया उसको इताअत करना है। अब्दुल मजीद बस इताअत करना है। दूसरी बात मैं बेसिकली आप जो बताए मैं कूर्ग का कुंडलीपेट का हूं। मैं 2013 से इधर ही हूं। 2013 से राजीव नगर में गुप्ता स्टार के पास मेरा घर है। 13 से मेरा फैमिली मेरे बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं। 13 से मैं इधर हूं इधर हमारा वोटर हूं इधर 10 साल से काम कर लेकर हूं। 2009 में जो हमारे नौजवान लोगों को जो जेल एक जेल को यानी अरेस्ट कर रहे थे रातों रात आके उसको रोकने के लिए हम लोग जेल भर करे उसका लीडिंग मैंने लिया था। मुझे पहली बार अरेस्ट किए थे 17 दिन मैं जेल में था। ये मैसूर के हमारे आवाम के लिए मैं जेल में गया तो इसलिए इसमें थोड़ा क्यों नहीं है क्योंकि हम इधर का मकामी हूं इधर 10 साल से काम किया हूं और मेरा जो सिलेक्शन है मैंने नहीं किया मेरा सिलेक्शन हाईकमांड भी नहीं किया मेरे सिलेक्शन मैसूर के जो हमारे पार्टी के जितने भी कारकुन और लीडर है वो तमाम मिलके एक भी अपोजिशन नहीं है समझ लो एक कैडर भी मेरा कैंडिडेचर का खिलाफ नहीं है तमाम मिलके मुझे कैंडिडेट में जिम्मेदारी है ये कैंडिडेट पे उदा नहीं है मुझे ये कैंडिडेचर जो है मेरा जिम्मेदारी मुझे दिया है वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं निभाऊंगा। एसटीपीआई और मैं लोगों का परेशानी को दूर करने का ईमानदारी का साथ कोशिश किया हूं मेरे हाथ से कितना होता है
उतना मैं ईमानदारी के साथ मैं काम निभाया हूं, लोगों के साथ खड़ा हूं हर मामले में। तो मैं उम्मीद करता हूं लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का अंदर 5 साल का जो ड्यूरेशन इसलिए देते हैं कि अगर 5 साल में कोई नुमाइंदा काम नहीं करे तो उनको बदलना, तो अगर काम नहीं किया तो बदलना। मैं आपका माध्यम से एनआर के वोटर्स को अपील करता हूं, एक बार मुझे मौका दीजिए, तीसरी बार मैं आपका सामने हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार आप मौका दीजिए। अगर मैंने काम कर नहीं दिखाया, आपका आवाज बनकर काम नहीं किया, आपका खादिम बनकर हम काम नहीं किया, तो 5 साल के बाद आप बदलाने का मौका आपके पास है, आप बदलाओ। मैं यही बोलता हूं, मैं ही खुद बोलता हूं, अगर कोई भी नुमाइंदा चाहे वो कारपोरेट हो चाहे वो MLA हो, 5 साल में काम नहीं कर रहे तो उसको बदलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं इंशाल्लाह मेरा जो मैनिफेस्टो इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिलीज करने वाला हूं। मेरा मकसद है सबसे पहले हमारे नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक हमारे गर्ल्स के लिए एक डिग्री कॉलेज लेके आना है, एक जनरल डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का, और कम से कम 100 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इधर लाना है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसका साथ साथ कम से कम 1 साल को 1000 घर टीबी नया जो घर जो भी है हाउसिंग स्कीम देना है, ये भी मेरा एजेंडा में है। दूसरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो 50-60,000 हाउसेस जो है, टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा मकसद है। उसका साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 से लेकर 25 साल का करीब करीब 35,000 यूथ्स है, ये फोकस करने का एक लोग है यूथ्स, इनको ओवरऑल डेवलपमेंट करने का भी एक ख्वाब है। इसमें मैं इंशाल्लाह मेरा एक मंसूबा है, एक प्लान है, मरहूम अजीज शेठ साहब का नाम पे एक अकाडमी खोलना है। उस अकाडमी के जरिए हमारे जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग होना है, कांस्टेबल से लेकर IPS तक IAS तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उनको सही ट्रेनर्स कोच को रख के उनको ट्रेन करके उस एग्जाम्स में वो लोग एलिजिबल होना है, ये हमारा एक प्लान है। दूसरा छोटा छोटा इंडस्ट्रीज यानी डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स रेडी है, चाहे वो 10 से 25 लोगों को जॉब देने का हो, तो इसमें NR का अंदर अगर मौका दिए जाए तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, ये भी मेरा सुना है। दूसरा वक्फ का प्रॉपर्टी, बहुत सारे मैसूर का अंदर वक्फ का प्रॉपर्टी है, मगर उस वक्फ का प्रॉपर्टी एक तो दूसरे लोग एनकोर्स कर कर है, या तो वक्फ प्रॉपर्टी में खाली क्या है, अभी खाली एक कॉम्प्लेक्स बनना, दूसरा कुछ नहीं है। आप वक्फ का प्रॉपर्टी में जो दुकानें बने कॉम्प्लेक्स बने तो आवाम को क्या फायदा है भाई, आवाम को चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस नर्सिंग स्कूल ट्रेनिंग सेंटर्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ऐसे आवाम को जो यूज होने वाला ITS पॉलिटेक्निक ऐसा होना है, तो वक्फ का प्रॉपर्टीज को ऐसा यूज करके हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। और वक्फ का जो इनकम है, ये वक्फ का इनकम में कुछ परसेंटेज 15-20% जो लोग गरीबों को देना है, हॉस्पिटल में रहते हैं या गरीब को देना है स्कॉलरशिप देना है वगैरह, ये भी सही तरीके से होले करने है। ये तमाम चीजें का ऊपर इंशाल्लाह मैं फिकर करके इंशाल्लाह काम करने के लिए। देखिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो है 5 साल को एक इलेक्शन का वो मंथ में जो गुदली पूजे का एक सीजन होता है, गुदली पूजले करने का 5 साल ये लोग किधर रहते हैं, कुछ मसाइल में ये लोग नहीं है, कुछ इश्यूज में ये लोग नहीं है, काम में ये लोग नहीं है, 5 साल को इलेक्शन का महीने में गुदली पूजे करते हैं, यही है, ये आवाम जानता है इसके बारे में। सर आप जो बार बार बता रहे थे कि मौजूदा MLA जो है सी तरक्की को जो है परवान नहीं चढ़ा है, फिर बार बार कांग्रेस की जानिब से उनको उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव में दिया जाता है और बाकायदा आवाम भी जो है दिलाती है, इसका क्या रीजन है? देखिए एक तो क्या है, वो तो उनका पार्टी का मामला है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो आवाम हो, मैं इतना ही कहता चाहता हूँ अगर जो काम नहीं करता उसको बदलना है, ये हमारा अगर अब्दुल मजीद भी काम नहीं किया तो बदलना है, ये डेमोक्रेसी का एक खूबी है। ये दूसरा आकर आवाम जो है
अवाम खौफ का बुनियाद पर वोट डालने का, ये सही नहीं है। 20 साल में ये लोग क्या प्रोपगंडा करते हैं, कांग्रेस का लोग एसडीपी को वोट डाले तो बीजेपी आ जाएगा, 20 साल में यही प्रोपगंडा किया है, आया नहीं, तो ये एक झूठा प्रोपगंडा है। दूसरा ये प्रोपगंडा करते हैं कौम की सीट है बचा लो भाई बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लास्ट 3-4 दिन में। कौम का सीट 20 साल में बचा लेकर कौम को क्या मिला, इसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता। और दूसरा और एक पॉइंट होता है, एक जीत कर एक क्या करते हैं बोलकर एसटीपी वाले, एक जीत कर क्या करते हैं, एक जीत कर बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि देखिए कल हुकूमत किसका आते वाले हम लोग को मालूम नहीं, कांग्रेस भी आएगा या कुमारस्वामी आएगा या बीजेपी, कोई भी हुकूमत रहे तो भी इंशाल्लाह हम लोग उनसे लड़कर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या डेवलपमेंट होना वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमारा तमाम लीडरों के साथ कॉन्टैक्ट है, हम वो कमिटमेंट के साथ लड़कर हम लोग लेके आएंगे। दूसरा हिस्ट्री में देखिए झारखंड में मधुकोड़ा एक इंडिपेंडेंट होके जीता था, जब एक सीट का जरूरत पड़ी तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पूछा, एक सीट रखकर चीफ मिनिस्टर बना मधुकोड़ा। तो और दूसरा 2008 में मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2008 में 6 लोग इंडिपेंडेंट विन हुए थे, 6 लोग भी मिनिस्टर बने और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 100 करोड़ से ज्यादा उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा दिए। जब इंडिपेंडेंट जो होता है उसको वैल्यू ज्यादा रहता है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन आता है, दूसरे दूसरे इलेक्शन आता है। तो दूसरा और एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए आइंदा आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में एसडीपी का सपोर्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए, पूरा कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे एसडीपी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे 5,000 से 10,000 वोट है। ये वोट के लिए लोकसभा इलेक्शन को रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पार्टियां, अब जब जिस पार्टी हुकूमत में रहेगा उस पार्टी हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग डिमांड रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कम्युनिटी को, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी को ये चाहिए, डिमांड रख के बार्गेन करके हम कम्युनिटी को डेवलपमेंट करेंगे और मजलूमों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा एक विजन हमारे एनआर का वोटर्स को आना चाहिए। आपको लगता है कि भी एनआर पे ही जो है एक मुकाबला जो है बड़ी टक्कर का होने वाला है आगे? इलेक्शन जो होता है टक्कर ही होता है, इलेक्शन जो है कांग्रेस की जो है किसी ना किसी किस्म का जो है टक्कर हो सकता है नहीं? ये देखो इलेक्शन जो है इलेक्शन इसमें टक्कर होता ही है, इसमें इलेक्शन का तो टक्कर ही है कोई भी कैंडिडेट आने दो, मगर इलेक्शन इलेक्शन होता है, बस इसमें इलेक्शन में आवाम समझना चाहिए इसमें, क्योंकि फाइनल डिसीजन देने वाले जो है अवाम है, अवाम जो डिसीजन देता है वो डिसीजन पे तब्दील आना चाहिए, यही मैं अवाम से पूछना चाहूँ। सर हम देखते हैं सर जब भी आप कैनवासिंग वगैरह होती है तो बड़ी भीड़ में जो है तेदार आपके पीछे रहती है, जब वोट का रिजल्ट आता है उस वक्त जो है वो जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन का 2-3 दिन जो पैसे का बंटवारा होता है बहुत बड़ा एक पैसे का बंटवारा होता है, इसमें चेंजेस आता है। दूसरा आकर इलेक्शन का 2-4 दिन ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल माहौल क्रिएट करते हैं, एक कौम की सीट है भाई पूरा डिस्ट्रिक्ट में बचा लो बोलकर, तो कौम की सीट 20 साल में बचाकर क्या मिला इसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं होता, ये एक है। तीसरा अगर बीजेपी एसडीपी को वोट डाले तो बीजेपी आएगा वाले तो प्रोपगंडा गलत प्रोपगंडा करते हैं, 20 साल से बीजेपी नहीं आया, दूर दूर तक भी आने वाला नहीं है। फोर्थ क्या है, एक जीत कर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया एक जीत के इधर चीफ मिनिस्टर हुआ है, ये इंडिपेंडेंट जीत के मिनिस्टर हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट को वैल्यू होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और इंडिपेंडेंट के साथ एक पार्टी भी है, तो ये तमाम चीज लग के आइंदा एनआर के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप भरोसा रखकर वोट करो,
अगर मैं जीतूंगा तो एनआर के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इंशाल्लाह, हम सब मिलके इसको डेवलपमेंट को कम। ईवीएम का भी है, ईवीएम के लिए एक बार हम लोग प्लान किए हैं, ईवीएम का जो भी हमारा बूथ में ईवीएम आएगा इसको कड़ी नजर देखा जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से इसका फॉलोअप करे जाएगा इंशाल्लाह।